वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल एएचए असिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एलएमएस पोर्टल पे आपके पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। इलाहाबाद इकबाल यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम ऑटम 2020 का आज जो पेपर है वो है 8610 कोड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। बीएड का ये कोड है और क्या इंस्ट्रक्शंस है इस पेपर के हवाले से, साथ ही साथ आपने अपने पेपर के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, क्या हेडिंग्स लिखनी है, कैसे अरेंज करना है, कितने वर्ड्स पे आपने बताना है, वो तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। 8:30 बजे से पहले पहले आपने ये पेपर्स अपलोड करने हैं अपने एलएमएस पे, तो थोड़ी सी देर की वीडियो या ये थोड़ा सा देर आपके लिए बहुत अहमियत रख सकती है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देख लें इंस्ट्रक्शंस क्या है एग्जाम्स के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आपने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आपने किसी भी इंटरनेट सोर्स से या बुक से देखकर नहीं लिखना। आप हेल्प जरूर ले सकते हैं और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पेपर को गुजारेगी और वो चेक करेगी कि क्या आपने इंटरनेट से सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है या आपने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन का पॉइंट ये है कि आपका जो ये पेपर है ये हर क्वेश्चन 600 से 800 अल्फाज पे होना चाहिए। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देनी, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। उसके अलावा एक चीज और कि अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है यानी बयान हल्फी जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, उसकी वो आपने डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना है या आप कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको सॉल्व कर लें, एडिट कर लें, और उसके बाद वो भी आपने लाजमी अटैच करना है अपनी इन पेपर्स के साथ एलएमएस पे अपलोड करते हुए। सेकेंडली आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, इफ प्लेजरिज्म फाउंड स्टूडेंट में भी डिक्लेयर फेल। इसलिए बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, कोई आपसे ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप फेल करार दे दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस तरह से क्वेश्चंस की डिवीजन करनी है, आपने कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है वो मैं आपको इन डिटेल बताने जा रही हूँ, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ कैन अ स्कूल एनहांस फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं, आपने मैक्सिमम 800 अल्फाज लिखने हैं, तो इन दोनों हिस्सों को 400-400 अल्फाज पे या आप कह सकते हैं कि 350-350 अल्फाज पे आप मुश्तमिल करेंगे। पहली हेडिंग आपकी आ जाएगी फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आप तमाम फैक्टर्स बता देंगे जो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फायदा देते हैं, जिस तरह से उनमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जेंडर है, न्यूट्रिशनल लेवल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, एक्सरसाइज है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मजीद फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद देते हैं। उसके बाद इसी का पार्ट टू है, हाउ कैन अ स्कूल एनहांस फिजिकल। अब इसमें आपने दोबारा से हेडिंग देनी है और आपने बताना है कि एक स्कूल में किस तरीके से फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकती है, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज कंडक्ट की जा सकती हैं या क्या किस तरह की ग्रूमिंग हो सकती है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाते हैं, अ टीचर हैज अ डायनामिक रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, डिस्कस इट विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशो इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट। अब जाहिर है आपको पता है कि टीचर्स का बहुत ज्यादा किरदार होता है किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में, वो उसकी जो अपग्रोइंग करती है, उसकी जो नरिशमेंट होती है उसमें बहुत ज्यादा उसका रोल होता है। इसी तरह से अब आपने टीचर का रोल डिस्कस करना है सोशो इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट में, क्योंकि मॉरली स्कूल्स में टीचर्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं वो आपने ऑलमोस्ट 600-800 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। जाहिर है कोई भी स्टूडेंट है उसको मोटिवेट करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, ठीक है, सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, इस तरह से डिफरेंट क्वालिटीज जो कि टीचर एक डेवलप करती है अपने चाइल्ड में, अपने स्टूडेंट में, वो आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, कीपिंग इन व्यू द लॉज ऑफ लर्निंग एंड स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज अ टीचर शुड डिजाइन। इसमें भी अब आपने क्वेश्चन नंबर थ्री में भी इसी तरह टू पार्ट्स हैं इसके, और आपने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना है, और सबसे पहले आपने लॉज ऑफ लर्निंग एंड स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हेडिंग देनी है, उनको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपने सेकेंड हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज, ठीक है। अब पहली हेडिंग क्या है, अब लर्निंग और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ना डिफरेंट लॉज हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे फौरन से आपको लॉज मिल जाएंगे, तो आपने उन लॉज को अपनी वर्डिंग्स में करके प्रॉपर हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंस देनी है मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज की, कि किस तरह से एक टीचर
कुछ एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकती है जो इस चीज में हेल्प आउट हो। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे कि आपने किस तरह से हेडिंग्स देनी है, किस तरह से इन पे वर्किंग करनी है। मजीद अगर कोई गाइडलाइन रिक्वायर्ड हो या पेपर से रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।